जब बात आती है क्लासिक और रेट्रो लुक्स वाली बाइक की, तो सबसे ऊपर नाम आता है क्लासिक 350 का। हेलो दोस्तों, व्लॉग्स विद आशीष में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक के बारे में, और जिस मॉडल पे हम फोकस रखेंगे वो है गन मेटल ग्रे कलर में, और यहाँ पर भी गन मेटल ग्रे कलर वाला ही वेरिएंट खड़ा है विद अलॉय व्हील्स, और यहाँ पर खड़ा है जो सैंडस्टॉर्म, ये जो मैट के साथ येलो कलर वाला वेरिएंट है वो। तो मेनली बात करेंगे तीनों वेरिएंट के बारे में ही, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या सारे स्पेसिफिकेशन हैं, ये तीनों ही BS6 वेरिएंट्स हैं, और साथ ही जानेंगे इनकी प्राइस क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सामने की तरफ से अगर शुरू करें तो इसमें आपको मिलते हैं हैलोजन हेडलैम्प्स, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, आपको बहुत सारी जगह पे क्लासिक क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर ये जो DRLs हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उन पर भी आपको क्रोम का इस्तेमाल भरपूर देखने को मिलेगा, जो गाड़ी के लुक को काफ़ी क्लासिक बना देता है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ देखें तो आपको मैट ग्रे कलर में ही यहाँ पर सामने का जो मड गार्ड है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आप टायर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा C8 के टायर्स मिल रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल है 90x19 और ये 19 इंच के हैं। इसके बाद फिर BS6 वेरिएंट में आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, और सामने और पीछे की तरफ दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर गाड़ी को साइड से देखें तो गाड़ी का साइड लुक कुछ ऐसा नज़र आता है, और अब क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें क्या सारे डिफरेंसेस हैं BS6 और BS4 वेरिएंट में, उन सब की बात धीरे धीरे करते चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टैंक पे रॉयल एनफील्ड की एम्बोसिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी शानदार लगती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूरा इंजन एक्सपोज दिखेगा, साथ ही आपको सिंगल चैनल हॉर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इंजन पर भी आपको क्लासिक RE की ब्रांडिंग नज़र आएगी। साथ ही यहाँ पर आपको जो गियर पैडल है वो नज़र आएगा, ये 5-speed गियर बॉक्स है, एक आगे बाकी सारे पीछे। साथ ही यहाँ पर आपको जो सेंट्रल स्टैंड है वो यहाँ पर नज़र आएगा, और साइड स्टैंड अगेन क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आपको नज़र आने वाला है। साथ ही यहाँ पर एक जो इनपुट वाली बात मैं बताऊँ आपको, तो ये जो साइड स्टैंड है ये इंजन कट ऑफ फीचर के साथ आता है, मतलब अगर आपकी गाड़ी किसी गियर में है और उसी वक्त आपका जो साइड स्टैंड है वो आप अप्लाई करेंगे तो इंजन कट ऑफ कर जाएगा, या फिर जब आप गियर में रहेंगे और आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी। ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि काफ़ी बढ़िया इनपुट है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बैटरी पैनल नज़र आएगा, साथ ही यहाँ पर जो एक चीज़ आप शायद मिस कर सकते हैं वो है कन्वेंशनल जो फ्यूल के लिए गेज आता था ऑन ऑफ करने वाला, वो यहाँ से अब हट गया है BS6 वेरिएंट में। और उस फ्यूल गेज के हटने का कारण है कि अब इसमें जो कार्बोरेटर जो पहले लगा होता था फ्यूल इंजेक्शन के लिए वो यहाँ से रिमूव हो गया है। वो क्यों रिमूव हुआ है और उसको किस चीज़ ने रिप्लेस करा है उसको जानने के लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, उस तरफ जब हम जाएंगे गाड़ी के तब मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आपको जो इंजन है वो पूरा एक्सपोज दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर आपको जैसा मैंने बता दिया ये जो पार्ट है ये बैटरी पैनल है, उसके बाद फिर ये जो है ये कन्वेंशनल आपका टूल किट बॉक्स है, ये की ऑपरेबल हैं सारे, आप इनको की से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये गाड़ी जो है ये स्टॉक गाड़ी है, आपको स्टॉक गाड़ी में ही साड़ी गार्ड और फुटरेस्ट मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा इनपुट है कंपनी की तरफ से। साथ ही जो रियर व्हील की बात करें तो आपको रियर व्हील मिलता है C8 का ही, और इसकी टायर प्रोफाइल आप टायर पर देख सकते हैं 110x90 18 इंच का ये
व्हील है, उसके बाद फिर इसमें आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन भी मिलता है जो कि वेरिएंट उस तरफ खड़ा हुआ है, और इसमें आपको स्पोक व्हील्स ही मिलते हैं। पीछे की तरफ बढ़ते हुए देखें तो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और यहाँ पर अगेन आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पर जो स्टिकर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कन्वेंशनल जो आपके क्लासिक टेल लैंप्स है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जैसा क्रोम ट्रीटमेंट आगे के साइड इंडिकेटर्स पर किया गया था, सेम ट्रीटमेंट आपको पिछले टर्न इंडिकेटर्स पर भी नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको रियर नंबर प्लेट के लिए स्पेस छोड़ी गई है, और यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर दिया गया है। सीटिंग ऑप्शंस की बात करें तो जो रॉयल एनफील्ड है ये सिंगल सीटर वेरिएंट में भी आती है, और जो हमारे सामने है ये डबल सीटर वेरिएंट है। इस तरफ क्या सारी चीज़ें आपको गाड़ी में नज़र आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बात उससे कि यहाँ पर कार्बोरेटर को किस चीज़ ने रिप्लेस करा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है EFI 350, मतलब डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है इसमें। अब यहाँ पर कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन से, जो कि EFI टेक्नोलॉजी है रॉयल एनफील्ड की ही। और यहाँ पर आप अगेन इंजन को एक्सपोज देख सकते हैं। यहाँ पर किक स्टार्ट, आपका फुट पैडल और ब्रेक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। साथ ही सामने की तरफ देखें, सस्पेंशन पर भी आपको रिफ्लेक्टर्स, साइड रिफ्लेक्टर्स नज़र आएंगे। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक तरफ टूल किट के लिए बॉक्स छोड़ा गया है जो कि की ऑपरेबल है। यहाँ पर आप की होल देख सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो इस तरफ गाड़ी में ऑफर की गई हैं। साथ ही आप जो स्टॉक एग्जॉस्ट दिया गया है वो देख सकते हैं, वो पूरा क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आता है। साथ ही अगर कुछ एडिशन है इसमें तो वो इस पार्ट का है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर है जो कि पोल्यूशन रिड्यूस करेगा। जो भी टॉक्सिक चीज़ें निकल रही हैं इंजन से उनको कुछ हद तक ये रिड्यूस करेगा और हमारे एनवायरमेंट को हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद फिर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सीट सस्पेंशन कन्वेंशनल सीट सस्पेंशन दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं पीछे की तरफ, और आगे की तरफ कुछ इस प्रकार के ब्लैक्ड और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। अब सीट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये ब्राउन फैब्रिक सीट्स हैं जो कि कुशन सीट्स हैं, और स्प्लिट सीट्स ऑफर की गई हैं, जो मेन राइडर रहेगा उसकी सीट और जो पिलियन सीट है वो दोनों कन्वेंशनली सेपरेट की गई हैं। इसके बाद फिर टैंक की बात करें तो टैंक कुछ यूं नज़र आता है, और जो गाड़ी का कलर है उसको एम्फेसाइज करता है गाड़ी का टैंक ही। ये मैट कलर है जो कि काफ़ी शानदार लगता है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है रॉयल एनफील्ड का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेम वो वेरिएंट खड़ा है, डिफरेंसेस इनमें सिर्फ अलॉय व्हील्स के हैं। ये नॉन अलॉय व्हील्स वेरिएंट है, और इसमें आपको स्टॉक अलॉय व्हील्स नज़र आएंगे जो कि ब्लैक कलर्ड अलॉय व्हील्स हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई सी गाड़ी पिक करनी हो तो आप कौन सा पिक करेंगे, क्लासिक वेरिएंट या फिर अलॉय व्हील वाला वेरिएंट। इसके बाद फिर अब साइड मिरर्स की बात करें तो आपको साइड मिरर्स क्रोम ट्रीटमेंट के साथ नज़र आएंगे, और यहाँ पर कंट्रोल्स और पैनल की बात करना अब शुरू करते हैं। पैनल्स की बात करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस गाड़ी की चाबी की, तो इसी बहाने गाड़ी की चाबी की भी बात हम कर ही लेते हैं। तो इसके साथ आपको बड़ी ही क्लासिक सी चाबी मिलती है, कुछ इस प्रकार से दो चाबियाँ मिलती हैं, और दो चाबियाँ ऑफर की जाती हैं, और एक ही चाबी से आपके एक, दो, तीन और चारों की होल्स ऑपरेट हो सकते हैं एक ही चाबी की हेल्प से। तो अब इसको हम बूट अप करते हैं और देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्या सारी वार्निंग लाइट्स ऑफर की गई हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो कुछ यूं है इसका मैनुअल स्पीडोमीटर जो कि शो करता है किलोमीटर पर आवर में 0 से लेकर टॉप स्पीड 160 तक। इंजन स्पेसिफिकेशंस अगर मैंने मिस कर दिए हैं तो वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फ्यूल वार्निंग लाइट ऑफर की गई है, इंजन वार्निंग लाइट ऑफर की गई है, और ये डुअल चैनल ABS के साथ ऑफर की जाती है, तो उसकी भी यहाँ पर लाइट ऑफर की गई है। साथ ही यहाँ पर बटन्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका डिस्क फ्लूइड है उसका
लेवल मीटर यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पर किल स्विच ऑफर किया गया है, यहाँ पर आपका स्टार्ट स्टॉप इग्निशन ऑफर किया गया है। इस तरफ बात करें तो आपका जो हाई और लो बीम के लिए टॉगल बटन ऑफर किया गया है, यहाँ पर आपका टर्न इंडिकेटर के लिए ऑफर किया गया है। उसके बाद फिर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हॉर्न के लिए बटन ऑफर की गई है। इसके साथ ही आप इस अपनी रॉयल एनफील्ड को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट रखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट रखिए, काफ़ी सारी एसेसरीज रॉयल एनफील्ड ऑफर करता है आपकी गाड़ी के लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं एक नई रॉयल एनफील्ड अपने घर लाने के लिए तो प्लीज़ विजिट करिए जग्गी एंड सन्स, रॉयल एनफील्ड का आउटलेट है रसूलिया में, होशंगाबाद में। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, साथ ही एड्रेस भी डाल दूंगा, जैसे कि अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट करिए। बेस्ट प्लेस टू ब्रिंग योर न्यू आरी होम। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कौन सा बेस्ट पार्ट लगा है, और जो मेन चीज़ रह गई है गाड़ी की प्राइसिंग और बी डिटेल्स जो भी आप जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस भी बता सकता हूँ इस गाड़ी के बारे में, तो आप नीचे सिटी कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं कोशिश करूँगा कि उस सिटी की अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के वॉक अराउंड वीडियोज़ को देखने के लिए, रिव्यूज़ देखने के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गाड़ियों के बारे में। अगले वीडियो तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।